भला है बुरा है जैसा भी है, हमरे लड्डू के भैया हमरे देवता है। हमरे लड्डू के आ कौन चाही? ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हाय दिया, आ लड्डू के भैया। आ ई कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी है, हमने दूसरी शादी कर ली है। ठीक बा, अंदर आइए। हाँ ऐसा हो चुका है पगली, लेकिन आप काहे काहे दूसरे शादी की है? बस ऐसे हमारा मन हुआ सो कर ली। हम पूछते अम्मी का कमी है जो दुई ही को उठा लाए आप। तुम एक नंबर की बौड़म औरत हो। चलो हो गया तुम्हारा काम, इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हम कह रहे निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं, आप दूसरे शादी नहीं कर सकते। अरे का क्या हुआ? अगर हम लड्डू के भैया को बता दिए तो ये तानसेन में आ जाएंगे। अरे का हो गया? क्या कौन किससे दूसरी शादी नहीं कर सकता? का बोल रही थी? ओ लड्डू के भैया, वो का है कि एक ठो बैल जो है वो अपनी गाय को छोड़कर दूसरी भैंसिया से शादी कर लिया, ऐसा सपना हम देखे। कमाल है यार, भैंसिया को छोड़ के गाय से शादी, सब क्या है भाई इसमें? क्या इसमें तुमको क्या आपत्ति है? जानवर शादी कर रहे हैं ना। लेकिन हम बहुत हॉट हो गए। वो हॉट होता है पगली, सही पकड़े हैं। हम बहुत दुखी हो गए। देखो पगली, यहाँ आदमी औरत से शादी कर लेता है तब कोनो फर्क नहीं पड़ता है, जानवरों की शादी से तुम दुखी हो रही हो, बताओ का है? आका बोले, हमने कहा कि कल हम जंगल के राजा शेर से शिकायत करके ये बैल को सबक सिखाएंगे। हाय दिया, गुड नाइट दी। अब बत्ती तो बुझाइए। वाओ, व्हाट अ फिल्म। तूने बंद क्यों कर दिया यार? क्लाइमेक्स देखने दो ना। अरे पुलिस आ गई, मुजरिम पकड़ा गया, हीरो हीरोइन से मिल गए, अब क्या बच्चे भी करवाओगे क्या? तक मैं एंड ना देख लूंगा फिल्म का, मुझे लगता है कि मेरी फिल्म अधूरी छूट गई है। बड़े फिल्मी हो तुम। हाँ, बड़ी इल्मी हो तुम। मैंने कहा कमाल की फिल्म थी, नाइस इंटरेस्टिंग थॉट, यू नो आई लाइक दैट। हीरोइन कितनी मासूम सी थी ना, एकदम भाभी जी की तरह थी। जो उसका बड़मपना था, जो थ्रिल करेंगे वो भाभी जी की तरह। ठीक है बेबू, रिलैक्स। एक अंगूरी जी नहीं है जो बॉर्डर में, बहुत लोग हैं दुनिया में जो उनसे ज्यादा बॉर्डर में। एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ। जो विलन था ना फिल्म का, उसकी शक्ल हाव भाव एकदम अपने तिवारी जी की तरह थे, एग्जैक्टली लाइक तिवारी जी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी क्या प्रॉब्लम है? तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम हर बात में अंगूरी जी और तिवारी जी को क्यों ले आते हो? क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। अरे तो पड़ोसी हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उनको सर पे बिठा लेंगे। फिर भाभी जी को सर पे बिठाने की बात आए तो सोचा जाए। तो मुस्कुरा क्यों रहे? मैं पूछ रही हूँ, उसका जवाब तो दो। यार मैं तुम्हारे इस भाईया सवाल का क्या जवाब दूं? टेल मी। अब ये सवाल भी भाईया तो क्या? यार ऑब्वियसली यार वो हमारे पड़ोसी है, दुश्मन थोड़ी है यार। दुश्मन नहीं है तो क्या उनके गुर्दों में घुस जाए क्या? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। गुर्दों में कौन घुस रहा है? तुम ये बात करना पतंगड़ बना देती हो। तुम्हें पता है बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है कि पड़ोसियों से प्रेम करो, लव दाई नेबा। कौन से शास्त्रों में लिखा है? मैं भी सुनूं, एक शास्त्र का नाम बता दो मुझे। यार को मैं प्रकांड पंडित तो होनी, इस शास्त्रों का नाम भी याद रखूं? देखिए ऐसा है, किसी शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इनफैक्ट तुम्हें पता है मैं पढ़ रही थी चंट सहेली, उसमें एक आर्टिकल था, उसमें कलावती शर्मा ने साफ साफ कहा था कि अपने पड़ोसियों को थोड़े दूर ही रखना चाहिए, वरना एक दिन ना पड़ोसी गले की फांस बन जाते हैं। जी हाँ, जरूर जरूर, डेफिनेटली। उन्होंने अपना बंगला बांधा जंगल में, वहां उनके पड़ोसी हैं कुत्ते बिल्ली सियार भेड़िए चूहे। क्या तभी उन्होंने ऐसा लिखा है
कि दूरी रखो पड़ोसियों में, पड़ोसियों से प्यार रखना चाहिए। उन्होंने अपने पड़ोसियों से भागकर ही ऐसा किया है, इसीलिए जंगल चली गई वो। हाँ मालूम है, उन्होंने अपने पति को अपने पड़ोसन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, वो भी in a very compromising position। देखा देखा, ये सारी वाहियात बातें तुम्हें सब पता है, सारी छिछोरी न्यूज तुम्हें पता होती है। छिछोरी न्यूज नहीं मैडम, ये ब्रेकिंग न्यूज थी और हर अखबार की हेडलाइन थी। एक्सक्यूज मी प्लीज, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं और पड़ोसन? अरे यार मैंने कब कहा ऐसा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो तुम्हारे पड़ोसी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सारी राज की बात जाकर उन्हें बता दी जाए। दूरी बना के रखो ना, डिस्टेंस रखो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम भाभी जी से दूर रह ही नहीं सकते। ये इतरा इतरा के ऐसे हिल हिल के क्यों मुस्कुरा रहे हो, इतना क्यों इतरा रहे हो? ये नहीं पूछो कि कोई गम है जो छुपा रहे हो। फनी, लेट्स स्लीप। तिवारी जी, यू आर सो कूल, कूल गाय। सर देखिए, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमें याद किया, वरना एक ऑर्डर देने के बाद पिछले 5 साल से आपने हमारी कोई खबर ही नहीं रखी। देखिए तिवारी जी, जो मेरा बिजनेस है ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये बिजनेस मेरे ससुर जी ने खड़ा किया है। हाँ वो ठीक है सर, लेकिन आपने भी तो उसके लिए खून पसीना बहाया है, नहीं? हाँ इस बात पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये बिजनेस आज भी मेरी बीवी के नाम पे है, मतलब रमोला के नाम पे है। क्या बात है, तो सर हम जब भी भाभी जी मतलब रमोला जी हमें मिलेंगी तो हम चरणों में गिर कर ऑर्डर की भीख मांगेंगे उनसे। अवश्य, फिर तो ये मौका आपके पास बहुत जल्दी आ गया है। रमोला आज ही अमेरिका से आ रही है, लखनऊ से सीधे वो कानपुर आएगी, तो उसको कानपुर में कुछ जरूरी काम है। अच्छा हाँ, अरे तो फिर तो हम इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे, क्यों नहीं, जरूर जरूर उठाइएगा, जरूर उठाइएगा। अब आप उसको कानपुर अच्छे से घुमा दीजिएगा, ठीक है? वो क्या है कि ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने हैं, आप पे भरोसा तो कर ही सकते हैं। तिवारी जी आप पे भरोसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, आपके लिए जान हाजिर है, क्या बात कर रहे हैं। क्या बात है, आपने तो अपनी जान दे दी। मैं आपको अपना 25 लाख का ऑर्डर दूंगा अगर आपने मेरी बीवी को खुश कर दिया तो। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। वाह क्या बात, तो गुप्ता जी कब आ रही हैं भाभी जी? बस कुछ ही देर में लैंड होने वाली हैं। वाह बहुत शुभ अवसर होगा हमारे लिए। यार ये अम्मा का है, फोन कर रही है कि रंग में भंग ना डाल दे, या पंडित रामचंद्र को नया उपाय तो नहीं बता दिया। हेलो अम्मा। कारे बल, इतनी देर से फोन कर रहे हैं, फोन का ही नहीं उठा रहा तू? नहीं अम्मा, क्या है कि हम दरअसल अपने एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ बैठे, मीटिंग चल रही है। अच्छा सुन, हमारी बात ध्यान से सुन। क्या कोई पंडित रामफल ने कोनो नया उपाय बताए हैं का कुछ? ओहो पंडित रामफल कोनो उपाय नहीं बताए हैं, अपना मुंह बंद कर, समझा? पंडित रामफल जो है एक तो अभिमंत्रित काढ़ा दिए हैं, उनको बहुरिया पिलाना है, और किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, समझे? यहाँ तक कि बहुरिया को भी खबर नहीं होना चाहिए, और हमको रिजल्ट तुरंत चाहिए। ये बात को जो है एकदम सीक्रेट रखना है, राज का राज बना के रखना है, समझे? ये एक काढ़े में कोनो जहर वहर तो ना मिला दिया कहीं? अरे पगला गया है क्या तू, हैं? हम अपनी बहुरिया को जहर देंगे? कहा है ना कि पंडित रामफल की उम्र हो गई है तो नजर से कुछ कमजोर दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा ऐसे सवाल उठा था मन में, इसलिए कह दिया। बकवास मन कर, जो कह रहे हैं वो कर, समझा? हम जो है खुफिया तरीके से आएंगे और तुमको वो काढ़ा दे करके चले जाएंगे, इससे जो है संतान की प्राप्ति होगी। हाँ जी, पलवा दिया नया तोता। ए कोरे बे, हाय दिया, इस सपने ने तो हमको हिलाकर ही रख दिया है। हम जितना सोचते हैं इस सपने के बारे में, ना ही सोचे ना ही सोचे, बार बार हमारे सामने वो दृश्य आ जाता है। गुड मॉर्निंग भाभी जी। का भरभूति जी, कछु भी गुड नाइट है मॉर्निंग में। क्या बात है, कहीं आपका झगड़ा तो नहीं है तिवारी जी से? नहीं नहीं, वो हमसे कोनो झगड़ा नहीं किए। कहीं आपकी मोटर लो मतलब आपकी अम्मा, उनका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया? मतलब ठीक ठाक तबीयत ठीक है ना उनकी? हाँ वो तो बहुत ही अच्छी स्वस्थ और तंदुरुस्त बा। और आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत भी ठीक बा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाभी जी? हाँ भरभूति जी,
कल ना रात को हम एक ठो सपना देखे। अच्छा, तो क्या देखा आपने सपने में? हम का देखे ना, हम का देखे कि लड्डू के भैया ने दूसरा शादी कर लिया है। लड्डू के भैया ने दूसरी शादी कर ली है, मतलब कमाल सपना देखा भाभी जी आपने। चुप कीजिए आप, इका आपको कोनो कमाल का सपना लगता है? वो हमरा सौतन लेकर आ गए थे और आपको क्या लगता है कोनो लंदन में पिकनिक ले गए थे? I'm really sorry, I was just joking. यहाँ आपको जोक सूझ रहा है और यहाँ हमरे प्राण सूख रहे हैं। भाभी जी आपने सपना किस वक्त देखा, टाइम क्या था? टाइम हमरे अंदाजे से कछु सुबह का 4-4:30 बज रहा होगा। तो मतलब ये कि आपने ये सपना सुबह सुबह देखा है? ओ गॉड, भाभी जी माफ कीजिएगा लेकिन सुबह का सपना तो अक्सर सच ही होता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ? सुबह भोर का देखा हुआ सपना सच हो जाता है? बिल्कुल, मेरे साथ तो 3-4 घटना ऐसी घट चुकी है भाभी जी। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ कि मैंने सपने में देखा कि अनु ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और नेक्स्ट डे एक्चुअली अनु ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दैट इज सो ट्रू। अनु में कहा है? और अनीता जी तो आपको हर दूसरे दिन घर से बाहर कर देती हैं, महीने के 15 दिन तो आप बाहर ही रहते हैं। एक्चुअली भाभी जी इसके अलावा भी कई घटनाएं और घटी मेरे साथ। मैंने एक बार सपना देखा कि मेरी मम्मी घर पे आ गई हैं और एक्चुअली नेक्स्ट डे वो आ गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी भोर का सपना होता है वो सच होता ही है? भाभी जी मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में भी लिखा है क्या भाभी? क्या? हाँ, तो अगर ये सच हो गया तो हम तो मर ही जाएंगे। क्या बात कर रही हैं भाभी जी आप, क्यों मर जाएंगे आप? वो आदमी आपकी नाक के नीचे तो उसे शादी करके अय्याशी करेगा और आप उसे बदला लेने की बजाय, उसको सबक सिखाने की बजाय आप मर जाएंगी? नाउ यू आर नॉट द बेबा, नाउ आई एक्सपेक्ट माय बेरा। क्या करें बताइए क्या करें? अगर आप मेरी सलाह माने तो आप तिवारी जी को तलाक दे दीजिए। कछु भी ना ही बोलिए, हम ना ही देंगे तलाक फला की सब। भाभी जी अगर आप इस घटिया आदमी से पहले किनारा कर लेंगी ना तो तकलीफ नहीं होगी आप, मेरी एडवाइस। हम ऐसा कछु ना ही होने देंगे, सुने ना आप, हम उनका दूसरा शादी होने ही ना ही देंगे कभी भी। यस बेबी, हम पहले फिल्म देखेंगे उसके बाद बहुत ही अच्छे से ढाबे में लंच करेंगे। किस ढाबे में चले? संजू के ढाबे में। ठीक है, डन। अरे भाई माँ चरण स्पर्श भैया हेलो। ये क्या नई पागल बनती है सक्सेना जी? आई लाइक इट। वैसे भैया ये पागलपंती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम है सेनोरिटा। और सेनोरिटा वो मेरी परम पूज्य भाई माँ है और ये इस मोहल्ले के सबसे बड़े कमीने 2 कौड़ी के इंसान विभूति नारायण मिश्रा है। आई लाइक इट। ये क्या बदतमीजी है? सेनेटा कम, शी वाज बीइंग नॉटी, आई लाइक इट। भाभी जी जो मैंने कहा है आपसे उसके बारे में सोचिएगा, गौर कीजिएगा। दिया हमरे लड्डू के भैया। दरोगा जी स्माइल दियो, थोड़ी सी और दो स्माइल। ना ना मजा ना आ रही है, थोड़ी सी और। हाँ थोड़ी सी और दरोगा जी, थोड़ी सी और। ना ना हाँ थोड़ी सी और। हाँ हाँ आ रहे थोड़ी सी और। पागल है का? सारे पूरे मुंह चीर के दर्द कान तक टकरा गए हमारे होंठ के, और कितना मुस्कुरा दें। हेलो हाँ। जल्दी करना यार। अबे दसियों फोटो हो गई तेरे बावले, अब जरा मेरी भी खींच दे बढ़िया वाली। इधर को आ जा तू, ठीक है? आ जा आ जा आ जा। एक मिनट रुक, चश्मा लगा ले। दरवाजा स्माइल।
मलखान यार उधर को यार, एक एक सिंगल फोटो लूंगा, परे हो जा परे। मलखान थोड़ा सा दूर हो यार, हल्को सो एक पैसा दूर हो जा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हाँ टिल्लू अब ले ले यार दरोगा जी कंधे पे हाथ रख यार, ऐसे करके ठीक है ना यार। एक फोटो एक फोटो दरोगा जी, क्लोज थोड़ा क्लोज क्लोज, वेरी नाइस, व्हाट ए शॉट, वेरी नाइस। ये वाला हाथ पीछे को कर, एक मिनट रुक, बोल मत ये आया। हाँ तो था, सारे एल्बम बनवाए को पूरी, इतने फोटो खिंचवा ले तूने। दरोगा जी एक मेरी सिंगल फोटो दरोगा जी के साथ आ जाए, इधर को आओ ना, तू कौन करेगा। हाउ हाउ आमल खान, एक मेरी ले ले यार, मेरी ले ले यार, ले ले ला। अरे एक सेकंड ठहर जाओ यार, काहे जू काहे है काजू जो कौन तरीका है, तो मैंने हमें पहले जो बताओ अपनी एजेंसी को उद्घाटन कराने के लाने बुला हुए कि सारे फोटो सेशन चल रहा हुए, हिला के दर्द हमें पूरो। नाना दरोगा जी नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे बहुत देर से, अंदर से गुस्सा है, स्माइल कर रहे, स्माइल इतना सारो हमने कौन बाप के लाने ना करू। नाना दरोगा जी अरे का नाना, छह घंटा से हमारे सामने कैची है, हम सोच रहे अब कटे को फीता, अब कटे को फीता, गुंजा फीता ना कट रहो है, सारे हमें हिला हिला के फोटो ले रहे हो, हमारे शरीर की परवाह नहीं, अपनी फोटो अच्छी आ जाए बस, सारे घुसेड़ देंगे यही। ना 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 ए ए ए ठीक है मलकान, आप कोई फोटो नहीं लेगा। हाँ दरोगा जी आखिरी बार सेल्फी ले लो बस। हाँ लियो, सामने को देखो आ गया। हाँ अब फीता काटो दरोगा जी, हटो। ठीक है यार दरोगा जी, हमें आज जा बात की बड़ी खुशी है कि आज आपने हमारी डिटेक्टिव एजेंसी को उद्घाटन करो। हम चाहते हैं कि इस मौके पर आप कुछ बकें, मेरा मतलब कुछ शब्द कहें। देखो लोंडो ऐसे में हम कहाँ कहें यार, फिर मत कहो ऐसा, बोलो जा तू है ना यार, तू हमें कह रहे हो भाषण की लाने, तो हम लप से भाषण दे दें, आदमी बोल तू ऐसे में का कहें, का कहें को मतलब कहें जरूर हम। देखो लोंडो हमें बड़ी खुशी है तुम काम धंधा में लग रही, हमारा एक ही कहनू है कि देखो सफलता को मंत्र मेहनत से, जोन भी धंधा में जाने हुए मेहनत से काम करो, पुलिस से मिल के चलो, जई में तुम तीनों मन को फायदो है। दरोगा जी ऐसी बात है गई तो कुछ टिप विप दे दियो हमें। तुम लोगों के का टिप टिप का दे दे बताओ। खुश रहो सुनो, तुम तीनों लोंडा बा गंदी नाली के कीड़ा हो, जहां पे सबसे ज्यादा जुर्म पनपतो है, तो तुम बिल्कुल करेक्ट धंधा में जा रही हो, मतलब जो भी तुमने शुरू करो डिटेक्टिव की जो एजेंसी जासूसी को काम तुमने बहुत सही शुरू करो, बहुत बढ़िया, अब काम की बस तुम लगा लो, तुम भी लगा लो। अब हम जो कह रहे हैं बढ़िया सो, अब है तो पहले जलपान को इंतजाम करो हमारी लाने, और रात की लाने जब हम फ्री हो जाएं, जो लंबो खंबा और मुर्गा रेडी रखियो ताजो, तंदूरी या तरी वालो। अनु यू नो व्हाट, भाभी जी कह रही थी कि उन्होंने आज बहुत ही डरावना ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा कि तिवारी जी ने दूसरी सेकंड शादी कर ली है। ये आदमी है इस काबिल, ऐसा है ये कर सकता है, इस केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि उनका ये सपना सच ना हो जाए, आई एम रियली वरीड फॉर हर यू नो रियली। और क्या, और तो कुछ नहीं कह रही थी, शी वाज जनरली प्रेजेंट रीज से। तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना? ना फिर पड़ोसियों की बात, अरे मैं कोई और बात कर रही हूँ और तुम
खींच तान के बात को पड़ोसियों तक ले जाते हो। नहीं ऐसी बात नहीं है यार, एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा तुम किसकी बात कर रही हो। तुम ना कभी मुझे समझे हो, ना समझ सकते हो और ना कभी समझोगे। जब देखो तब बस पड़ोसियों के अंदर झांकते रहते हो, यही काम है तुम्हारा। बीबी का तो कोई ख्याल नहीं है, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारा। यार ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है यार। देखो क्या है कि इंसान के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, आदमी भूल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं याद नहीं रखता। आई रिमेम्बर। अच्छा तुम्हें याद है? या? तो बताओ ना आज के दिन क्या खास है। हे भगवान मुझे याद दिला दे, वरना ये अनु मेरा बैंड बजा देगी। बताओ याद आया? या नहीं, वो तो 22 तारीख को आता है। ऑलराइट नहीं तो दिसंबर में आता है। अब नहीं 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 वो भी नहीं, वो जैन में। यार एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम याद दिला दो ना प्लीज। आज हमारी किस एनिवर्सरी है? किस एनिवर्सरी? तुम भूल गए, आज के दिन पहली बार तुमने मुझे जबरदस्ती गालों पे किस किया था।